एमजी साहब इंसाफ करो, रिलीज आवाज सिलेक्शन लिस्ट, रिलीज आवाज सिलेक्शन लिस्ट, रिलीज आवाज सिलेक्शन लिस्ट। इसको लेके हम बहुत परेशान हुए हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऑलरेडी ये जो नोटिफिकेशन आई थी इन पोस्ट्स के लिए वो 2020 में आई थी, दिसंबर 2020 में आई थी। तो तब से लेके बच्चे इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसके लिए स्टडी कर रहे हैं। एक एक दो दो साल बच्चों ने इस एग्ज़ाम में अपने गवाए हैं। D1 से यही डिमांड है कि हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो एज सून एज पॉसिबल विदाउट एनी फर्दर डिले रिलीज़ किया जाए। हमारे PM सर का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो हम लोगों ने पढ़ा भी, हम लोगों ने एग्जाम भी क्वालिफाई किया, फिर हमारा सब कुछ सिलेक्शन लिस्ट भी हो जाता है, मेरिट में भी हम आते हैं, उसके बाद हमें सड़कों पर बिठाते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमारी ख़राब हो गई और अब ये लोग देख नहीं रहे कि गर्ल्स कैंड वुमेन कैंडिडेट्स भी यहाँ पे बैठी हुई है, स्टिल ये लोग इनकी ओर से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। जब से JKPSI का ये सारा कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, इट हैज़ मेड अस स्केप्टिकल एज वेल, क्योंकि व्हेन देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन इन एयर, नेचुरली जो इंसान है नेचुरली वी आर टेंड टू बी अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, वी आर टेंड टू बी ड्यूबियस अबाउट दिस थिंग कि क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं होगा। एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अब हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, अपॉइंटिंग लेटर्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो अब 4 महीने के बाद कहा जाता है कि इस पर इंक्वायरी है। गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग एनी हीड टू आवर प्रोटेस्ट, टू आवर वॉइसेस, दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड वेरी बैड पार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए, अब DV को भी हमारे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए, अब भी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है। तो बस हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट अब रिलीज किया जाए, सिंस ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी। पहले इनको शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसे ट्वीट भी लिखते हैं कि इनकेस अपनी इरेगुलरिटी। क्यों इरेगुलरिटी क्यों है भाई, क्यों? आप तो सिस्टम में बैठे हैं, सिस्टम आपका है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका है, ऑफिशियल्स वहाँ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आपके हैं, इंक्वायरी कमेटी के मेंबर साहिबान आपके हैं, गवर्नमेंट आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी और गवर्नेंस आप करते हैं। भाई हमें क्यों मार पड़ती है, हमें मेंटली क्यों हरास होना पड़ता है? अगर इसमें किसी भी तरीके से इरेगुलरिटी है, मेरा यही मानना है कि इनको पहले शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने की इसमें इरेगुलरिटी है। और इसमें 1 साल के अंदर सब कुछ होना था, बट हम 2.5 साल से ऐसे ही है और अभी हमें सड़कों पर बिठाया गया है, जम्मू में भी और यहाँ पर भी, एज इफ दे आर डेफ, भी सुन भी नहीं रहे हमारी एक बात भी कि एक बार ये बस एक एश्योरेंस दे दे कि हम लोग आपका सिलेक्शन लिस्ट जल्दी रिलीज करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है हम उनको फिल्टर आउट करेंगे।